हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। आज हम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ सीखा है, यूनिट नंबर 1 के अंदर मल्टीमीडिया में क्या होता है, कौन कौन से टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लगभग 5-6 वीडियो हमने उसमें बनाई, और सेकेंड यूनिट में भी हमने कुछ चीज़ सीख लिए हैं कि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट कौन से होते हैं और कौन कौन से टेक्स्ट को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के बारे में सीखेंगे। इसको आप अच्छे से सीख लेना। यहाँ पर थोड़ा कम बताया गया है, लेकिन यही चीज़ आपकी DTP में जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी ये आएगा, और वहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है। प्रैक्टिकल चीज़ें भी वहाँ पर सिखाऊँगा। हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन DTP में थोड़ा बड़ा लिखने के लिए आता है और वो हमेशा आता है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OLE शॉर्ट में कहते हैं इसको। तो OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। इसका तात्पर्य एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना होता है। यानी कि हम OLE के माध्यम से किसी एक सॉफ्टवेयर की फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में उसे लिंक कर सकते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। OLE का जो सिद्धांत है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जो कॉरपोरेशन है, उसने बनाया है। इसी वजह से आप एमएस ऑफिस जो होता है, पूरा पैकेज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी उसमें है, सभी के अंदर OLE का जो सिद्धांत है बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है ऑफिस पैकेज को, और माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है OLE के सिद्धांत को। और ये जो सिद्धांत है वो कंप्यूटर, वो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कॉम पे आधारित होता है। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक मॉडल है, उस पर आधारित होता है। OLE माइक्रोसॉफ्ट की एक तकनीक है जिसके द्वारा हम डायनेमिक तरीके से फाइल तथा एप्लीकेशन को एक साथ लिंक कर सकते हैं। यानी कि हम OLE के माध्यम से किसी भी फाइल को और दूसरे एप्लीकेशन को या किसी अन्य एप्लीकेशन के साथ में उसे लिंक कर सकते हैं। लिंक क्या होता है? लिंक दो ऑब्जेक्ट के बीच कनेक्शन स्थापित करने का काम है। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में दो फाइल्स हैं उनके बीच में हम कनेक्शन बना दें तो उसे लिंक कहते हैं। और एम्बेडिंग होता है एप्लीकेशन डेटा सम्मिलित की सुविधा। यानी कि फाइल में लिंक भी हो जाए, और लिंक होने के बाद जिस फाइल को हम दूसरे सॉफ्टवेयर में लिंक करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में हम लिंक की हुई फाइल पर काम भी कर सकें तो उसे एम्बेडिंग कहते हैं। यानी कि अगर लिंक हुई है, केवल जुड़ गई है एक सॉफ्टवेयर की फाइल दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर के, मतलब वहाँ जुड़ गई है, वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं तो लिंकिंग कहते हैं। लेकिन जुड़ने के साथ साथ हम उसी सॉफ्टवेयर से कोई एडिटिंग करेंगे तो वो एडिटिंग दूसरी फाइल में ऑटोमेटिक हो जाएगी, वहाँ से उसे अपन ओपन भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, ये काम भी कर लेंगे, तो उसे अपन एम्बेडिंग कहते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आपको करके दिखा दूँगा। तो इस प्रकार OLE का तात्पर्य एक ऐसी तकनीक से है जो एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करती है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक कर देती है। इसका प्रयोग हम MS Word में कर चुके हैं। ये मैं लिखा है दोस्तों, मैं लिख गया है MS Word में मैंने ये सिखाया था ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग के नाम से एक ऑप्शन आता है MS Word में, वो मैंने सिखाया था, है ना। मैं अब उस वीडियो को लगाऊंगा लिंक में, तो आप उस वीडियो को बहुत बड़ा देखना पड़ेगा, मैं भी उतना करके दिखा देता हूँ आपको, तो वो जल्दी भी समझ में आ जाएगा। तो उसे अपन MS Word में कर चुके हैं, और यह MS Word में इंसर्ट ऑब्जेक्ट के समान है। यह इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है ना, उसी को कहते हैं अपन OLE। यह MS Word में जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट मेनू में ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन आता है, वो उसके जैसे ही होता है, उसी से होता है ये काम। यहाँ हम MS Word की फाइल से किसी अन्य सॉफ्टवेयर की फाइल को लिंक कर सकते हैं। जी हाँ,
हम एमएस वर्ड में रहते हुए किसी और फाइल को लिंक कर सकते हैं, उसमें काम भी कर सकते हैं। उसे कैसे करते हैं मैं आप करके दिखा दूँगा। चलिए मैं अब इसके प्रोग्राम को आपके सामने, मतलब इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एमएस वर्ड की फाइल ओपन की, ये देखिए। अब इसमें मैं इससे पहले एक पेंटिंग की फाइल भी ओपन करता हूँ, पी ब्रश लिखा मैंने और ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो पेंटिंग सामने ओपन हो जाएगी, और इस पेंटिंग में मैंने दो तीन शेप बना करके रख दिए, ठीक है। और इसको फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव किया, नाम डाल दिया मैंने इमेज वन, सेव किया, और ये डू यू वांट टू सेव बोल रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है, कर दिया। सेव करने के बाद, सॉरी वो पेंटिंग की फाइल कॉपी करनी थी मुझे, अब इस मैटर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। याद रखना पेंटिंग में मैं फाइल बना रहा हूँ और उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे बंद करता हूँ और एमएस वर्ड में जाता हूँ, और होम में जाके पेस्ट पर गया और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दिया। जैसे ही किया पेस्ट स्पेशल, और ये यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूँगा तो ये फाइल इससे लिंक हो जाएगी, पेस्ट होके आ गई फाइल। इस पर करूँगा डबल क्लिक तो देखिए पेंटिंग खुल गई, यानी कि पेंटिंग की फाइल जो मैंने पेस्ट की है वो यहाँ पे लिंक हो गई है। ये तो हो गया लिंकिंग। अब मैं यहाँ से कोई कलर लेता हूँ और तीनों शेप में, किसी में नीला, किसी में ऐसा पीला, और किसी में अलग रंग भर देता हूँ। भरने के बाद जब इसे बंद करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वो रंग आ गया। तो लिंकिंग, और ये हो गया एम्बेडिंग। तो लिंकिंग और एम्बेडिंग ये होता है कि फाइल लिंक हो जाती है, डबल क्लिक करेंगे फाइल पर पहुँच जाएंगे, लिंक हो चुकी है, लिंक बन चुकी है। इसके साथ आप यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करते हैं, आप कुछ भी यहाँ चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग यहाँ हो जाएगी, इसे एम्बेडिंग कहते हैं। ये एम्बेडिंग हो गया, तो लिंकिंग और एम्बेडिंग का काम इसमें हो जाता है। इसके अलावा हम इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट वाले ग्रुप में ऑब्जेक्ट ऑप्शन से भी ये काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में दिया है क्रिएट न्यू और फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू से हम न्यू फाइल बना सकते हैं। आपको फाइल किस में बनानी है, बिटमैप, पेंटिंग में, फोटोशॉप में, जिसमें बनानी है वो चुन लीजिए। तो मैं यहाँ से पेंटिंग के लिए बिटमैप चुन लेता हूँ, ओके करता हूँ। पेंटिंग की फाइल के लिए पेज बड़ा किया और मैंने यहाँ पर कोई भी एक ड्राइंग कर ली। जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा तो ड्राइंग वर्ड की फाइल पर आ जाएगी, और ये लिंक भी हो गई। देखिए लिंक है, डबल क्लिक किया ओपन हो गई, और यहाँ से मैं कलर भर रहा हूँ तो देखिए एम्बेडेड भी है, यानी ये फाइल लिंक भी है और एम्बेडिंग भी हो चुकी है। अगर मैं ये काम क्रिएट नहीं करना चाहता तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके फ्रॉम फाइल से जो बनी हुई फाइलें हैं उनको मैं डेस्कटॉप से या कहीं और से चुन के लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कर नहीं रहा, आप भी प्रैक्टिस आप खुद करके देख लेना। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग के बारे में हुआ। फिलहाल फाइल बंद करता हूँ। अगला टॉपिक जो दिया है इसमें दिया है यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, इसी को बोला जाता है फॉन्ट नीड्स एंड टाइप, यानी कि फॉन्ट की क्या आवश्यकता है मल्टीमीडिया में, और कौन कौन से टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ पे। हमने पहले ही बताया था कि मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स सब यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट के बारे में पूछा गया कि टेक्स्ट का क्या यूज़ है। तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट का यूज़ कुछ ना कुछ मैसेज लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम बताते हैं कि टेक्स्ट का यूज जो है वो क्या है। टेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिकल करेक्टर होते हैं, जानते हैं, कल बताया था वीडियो में, जिसका प्रयोग सूचना को बताने में होता है। टेक्स्ट ऐसी सूचना प्रदान करता है जिसका कोई अर्थ होता है, यानी कि कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है स्क्रीन पर, आप जो पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट लिखा है स्क्रीन पर,
इसका कोई ना कोई मीन्स है, अर्थ होता है। टेक्स्ट सबसे सरल डेटा टाइप है जिसे सबसे कम स्टोरेज स्पेस चाहिए, यानी कि आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं नोटपैड में, सिंपल टेक्स्ट यूज करते हैं तो बहुत कम जगह घिरेगा, और बहुत कम जगह घिरता है तो कम जगह में छोटी छोटी फाइल्स में हम अपना बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के लिए टेक्स्ट डिज़ाइन करने में सही फॉन्ट स्टाइल का चुनाव, सही फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का साइज का चुनाव शामिल होता है। मल्टीमीडिया में आप काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो नोट्स आप देख रहे हैं इसमें हमने काम किया है, तो हमने हेडिंग्स को बोल्ड कर रखा है ना, तो कहीं पे फॉन्ट छोटा है, कहीं पे फॉन्ट बड़ा है, तो हमने जगह जगह जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ी है वैसी वैसी ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट को छोटा बड़ा स्टाइल कलर दे रखा है। तो जब भी हम मल्टीमीडिया में टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो ज़रूरी है कि उसके लिए हमें साइज, फॉन्ट का नाम, कलर वगैरह अच्छे से पता हो। डिज़ाइन में मल्टीमीडिया टेक्स्ट के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया में हमको टेक्स्ट को यूज करेंगे तो टेक्स्ट को हमें अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, यानी कि गुणात्मक गुड़ी हो टेक्स्ट वो और परिणाम भी उसका अच्छा आए, दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। कई टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स कंटेंट डेवलपमेंट, टाइटल डेवलपमेंट एवं फॉन्ट पर डिज़ाइन के लिए उपलब्ध हैं। कई प्रकार के टेक्स्ट हैं, आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर भी अलग अलग फॉन्ट के, मतलब साइज़ के स्टाइल के फॉन्ट आते हैं, है ना। किसी भी गेम के आप देखें, गेम में अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं, तो विभिन्न जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। शादी के कार्ड पर अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं, किसी को तेरे का कार्ड देने जाते हैं उस पर अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं, है ना। बर्थडे पार्टी के लिए जाते हैं उसका अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं, रोमांटिक कवर का फोटो का फॉन्ट अलग प्रकार का होता है, सैड का अलग प्रकार का होता है, तो अलग अलग प्रकार के फॉन्ट अलग अलग जगह पर यूज किए जाते हैं। टेक्स्ट का प्रयोग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीकों से होता है ताकि अलग अलग कार्य किए जा सकें। आमतौर पर एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में निम्नलिखित काम को शामिल किया जाता है, या निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, किसे करते हैं शामिल। नंबर वन है टाइटल्स में टेक्स्ट, यानी कि जब आप कोई टाइटल दे रहे होंगे तो टाइटल में हम कौन सा टेक्स्ट लें वो सुनना। मेनू या नेविगेशन के लिए आप कोई मेनू बना रहे हैं तो मेनू के अंदर आप कौन सा टेक्स्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल आप होटल में गए तो उसने आपको मेनू लिस्ट दे दी, तो कवर के ऊपर होटल का नाम होगा अलग फॉन्ट में, आप कवर पलटेंगे उसमें मेनू होंगे, वो मेन्यू जो होंगे वो मेन्यू अलग फॉन्ट फॉन्ट में अलग साइज़ में होंगे, है ना, तो अलग अलग फॉन्ट साइज़ में मेनू होंगे। बटन वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, मान लो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, बटन वगैरह के अलग फॉन्ट रहते हैं, टेक्स्ट जो डिस्प्ले होना है वो अलग फॉन्ट में रहेगा, सूचना कोई दिखाई जा रही है, मैसेज दिखाया जा रहा है वो अलग फॉन्ट में आता है, कुछ ऐसा जो स्पीच के साथ साथ बताया जाए, कोई इंसान बोल रहा है साथ साथ वीडियो दिख रहे हैं वो बोल रहा है और संग में लिख के भी आ रहा है, ऐसा आजकल होता है कि इसके में देखना यूट्यूब पे गाने बज रहे हैं लिख के भी आते हैं, तो वो फॉन्ट अलग टाइप के रहते हैं, तो कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको अपन अलग फॉन्ट साइज में, अलग कलर में, अलग हाईलाइट तरीके से दिखाते हैं। तो ये प्रकार से हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को यूज करते हैं। टेक्स्ट को किसी एप्लीकेशन में कई तरीकों से इंसर्ट किया जा सकता है। सर्वोत्तम तरीका है कि कीबोर्ड जैसे कि इनपुट डिवाइस का उपयोग करके उसे हम टाइप करना है और इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम टेक्स्ट को कीबोर्ड की सहायता टाइप कर सकते हैं। किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को इंसर्ट करने का तरीका यही है, और दूसरा तरीका यह है कि हम कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, OCR की हेल्प से, स्कैनर की हेल्प से उसे स्कैन कर लें। तो OCR का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट की एक व्यापक वैरायटी जिसमें पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टाइप किया गया टेक्स्ट या आपकी हैंडराइटिंग वाले टेक्स्ट जो होते हैं आपके, उनको भी शामिल किया जा सकता है, इनपुट कर सकते हैं अपन OCR के माध्यम से, यानी कि टेक्स्ट को हम कंप्यूटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कई प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।